morning, children. We will start with senior KG EVS period. Now, EVS में last period में हम लोग ने पढ़ा था land animals. उसमें कौन से wild animals और farm animals है. अभी हम लोग पढ़ेंगे birds. Birds सबको birds पता है, सब लोग crows, sparrow, pigeon ये सब animals birds को देखते हो. तो वैसे ही और भी कौन से birds है हम लोग अभी पढ़ेंगे. बर्ड्स मतलब क्या, जो उड़ते हैं वो बर्ड्स, जिसको फेदर्स रहते हैं, पंख रहते हैं, उनको बर्ड्स बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पैरट, हमिंग बर्ड, क्रो, डक, स्पैरो, किंगफिशर, पीजन, पीकॉक, आउल, हेन, वल्चर, ईगल, ये सब क्या है, ये सब बर्ड्स है. ये सब बर्ड्स उड़ सकते हैं. कुछ बर्ड्स है जो उनके बॉडी के वेट के वजह से या उनका बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वो उड़ नहीं सकते, जिसके विंग्स छोटे रहते हैं वो बर्ड्स कुछ कुछ उड़ नहीं सकते. कौन से बर्ड्स है वो, कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये सब बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन ये नीचे जो बर्ड्स है चार, ये उड़ नहीं सकते. क्यों? कीवी है, इसके फेदर्स छोटे, ईमू है, इसका बॉडी वेट ज्यादा है, ऑस्ट्रिच का भी बॉडी वेट ज्यादा है और पेंगुइन का भी बॉडी वेट ज्यादा है, इसलिए ये जो एनिमल्स है, ये जो बर्ड्स है, ये उड़ नहीं सकते, लेकिन ये जो बर्ड्स है ये उड़ सकते हैं. तो कौन से बर्ड्स है यहाँ पे पिक्चर, कितने सुंदर सुंदर पिक्चर है, पैरट, हमिंग बर्ड, क्रो, डक, स्पैरो, किंगफिशर, पीजन, पीकॉक, आउल, हेन, वल्चर, ईगल, जो उड़ सकते हैं, दोज हु कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये जो एनिमल्स है ये उड़ नहीं सकते. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन से बर्ड्स उड़ते हैं, कौन से नहीं उड़ते, ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. टिक द बर्ड्स दैट कैन फ्लाई एंड क्रॉस द बर्ड्स दैट कैनॉट फ्लाई. पैरट कैन फ्लाई, उड़ सकता है ना, तो उसको टिक करने का, ईगल को टिक करने का, यह है ईमू, ईमू को रॉन्ग करने का. ईमू मैंने अभी बोला था जैसे कि उसका बॉडी वेट हेवी है तो इसलिए इसको क्रॉस करेगा. पेंगुइन क्रॉस, डक राइट, कीवी रॉन्ग, आउल राइट, पिजन राइट, पीकॉक राइट, हेन राइट और ऑस्ट्रिच रॉन्ग. ठीक है, ये हो गया, आपको देख के सॉल्व करना है. तो और एक चीज, सब नोटबुक्स जो करेक्शन के लिए आ रहे वो लोग कैसे लिख रहे हैं, अभी बर्ड्स है तो ये आपका नोटबुक है, समझो ये रेड लाइन का मार्जिन है, ये रेड लाइन का मार्जिन है और आप लोग लिख रहे हो, तो यहाँ पे बर्ड्स लिखना है और फिर समझो पैरट है, पैरट, तो ये फुल पेज पैरट लिखना है, पैरट, पीजन, क्रो, ईगल, ऐसे सब आपको लिखना है. एवरीबॉडी क्लियर? बर्ड्स का पैरट, पीजन, क्रो, ऐसा फुल पेज आपको लिखना है, ना कि अड़ा लिखना है. अंडरस्टूड? ऐसे स्टैंडिंग लाइन में आपको पूरा फुल पेज लिखना है, तो भले इसको दो पेज लगे, चार पेज लिखे, लेकिन ऐसे लिख के ही आपको बुक करेक्शन के लिए लाना है. कुछ कुछ बुक्स ने ऐसा लिखा है पैरट, पीजन, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लिखा है, ऐसा लिखा है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट. अंडरस्टूड? तो आपको नोटबुक में ऐसे लिख के लेके आना है. एवरीबॉडी क्लियर? थैंक यू.